आज हम देखेंगे हमारा प्यारा सा चैप्टर जिनका नाम है डज इट लुक द सेम। इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं और समझ भी लिया है। अभी हमने आंसर्स देखते हैं और इसी में से करने हैं। तो देखते हैं कितना प्यारा और सुनहरा ये सफ़र है। हमने सिमेट्रिकली यहाँ पढ़ना है। मिरर हाफ जिसको बोलते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। तो मिरर हाफ्स कैसे होते हैं? जब वो हाफ आप कोई भी वस्तुओं का हाफ करेंगे उनको बोलते हैं मिरर हाफ। तो ये आपने यहाँ पे हाफ कर लिया, यहाँ पे और यहाँ पे। जैसा ये है वैसे ये साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसे राइट हैंड साइड। तो ये आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये ऐसे कर लिया। तो बस इतना ही करना है। शो द टू मिरर हाफ्स ऑफ द गिवन शेप्स बाई डॉटेड लाइन्स। तो डॉटेड लाइन्स में करना है तो चलो डॉटेड लाइन्स में कर लेते हैं। जैसे पूछा है वैसे परसेंगे। मीठा खाना है तो मीठा खा खिलाएंगे और तीखा खाना है तो तीखा खिलाएंगे। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ ईच ऑफ द गिविन शेप्स कैन बी ड्रॉन इन द गिविन डिवाइड्स इन द मिरर हाफ्स। तो ये है हमारा फोर हाफ्स है। इसमें है नंबर ऑफ लाइंस वन, इसमें है नंबर ऑफ लाइंस टू, टू है यहाँ, फोर है। फॉर ईच ऑफ द गिवन शेप्स से वेदर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स और नॉट। तो यस और नो आपको करना है। तो इनमें है यस हाफ, यस यस यस, नो नो नो, यस। तो जो आपने हाफ आगे डिवाइड किया है उसको बोलेंगे यस, और जो नहीं किया है उसको बोलेंगे यस। जो किया है जिसमें आपका हाफ हो रहा है, वापस मैं दोहराऊंगी, उसको कहते हैं यस, और जो नहीं कर पा रहे उसको कहेंगे नो। तो 46 पेज पे हमने ये किया है। 47 पे हम देखेंगे कि मिरर वर्क एग्जैक्टली कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स बाय द गिवन डॉटेड लाइन। तो पहले है यस, फिर है नो, फिर है यस, फिर है नो। नो क्यों है? क्योंकि हाफ इसका नहीं हो पा रहा है और इनमें देखिए हो रहा है ये। तो इनमें है यस, इनमें है नो और इनमें है यस, ठीक है। तो वो आपको जानना है। तो ड्रॉ द मिरर एज ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट द मिरर इमेज ऑफ विच लेटर इज सेम एज द लेटर। तो आपको मिरर नॉट सेम एज द लेटर, सेम एज द लेटर, तो आपको वो लिखना है सेम है कि नहीं सेम है। तो नॉट सेम है तो ऐसे करेंगे, सेम है तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो नॉट सेम, नॉट सेम एज लेटर, सेम एज लेटर, नॉट सेम, सेम एज, नॉट सेम, ठीक है। तो क्यों नहीं नॉट है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो सेम एज, नॉट सेम एज, सेम एज देखना है। फिर है मिरर नॉट सेम एज लेटर, मिरर सेम एज लेटर, नॉट सेम एज लेटर। तो देखेंगे, टर्न करेंगे। ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आफ्टर रोटेशन देम फ्रॉम हाफ ऑफ द टर्न। तो 47 पे हमने देखा है कौन से हाफ है और कैसे एकदम सिमिलर पैटर्न्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो 47 हो गया ये, 48 देख लेते हैं झटपट बच्चों। हम देख रहे हैं चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम का आईडी देख रहे हैं हम। तो बच्चों ये हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 का लेसन मैथ्स का 5th चैप्टर डज इट लुक द सेम। तो डज इट लुक द सेम ये हमें बार बार लगातार क्वेश्चन पूछना है, तब जाके हमको आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए सिमिलर कैसे ड्रॉ किया। तो जैसे ये सिमिलर है बच्चों, आपको सिर्फ ड्राइंग, आपको लगेगा नहीं कि आप मैथ्स कर रहे हो, आप सिर्फ ड्राइंग का विषय कर रहे हो, ये ही आपको करना है। तो जैसे यहाँ 6 है 9 है अगर देखेंगे तो भी सेम ही लगेगा। 7 उल्टा पुल्टा कर लो तो देखो डिफरेंट लगेगा, है ना। अब है देखिए नेक्स्ट
कि हाफ और टर्न, हाफ और टर्न कैसे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर हाफ और टर्न यहाँ पे, हाफ और टर्न, हाफ और टर्न, हाफ और टर्न देख लीजिए। मार्क द राइट फॉर द गिवन वर्ड्स फॉर द एंड राइट द विच रीड द सेम ऑन हाफ और टर्न, अदरवाइज मार्क एक्स, मतलब रॉन्ग। तो देख लीजिए यहाँ पे है रॉन्ग 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 राइट। तो अगर ये उल्टा पुल्टा करे, हाफ अ टर्न करे तो सेम दिखे तो ठीक है, नहीं तो फिर रॉन्ग कर दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे है राइट, यहाँ पे है राइट, थर्ड का है राइट, सिस का है राइट और इनका है नून का है राइट। तो गिव हाफ ऑफ द टर्न टू द नंबर्स ऑफ 0 to 9, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिल लुक्स द सेम। तो कौन से सेम है वो आपको देखना है। 0, 1, 8 ये नंबर जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिए हैं वो है राइट। तो फिर 48 पेज पे हम देखेंगे बच्चों, राइट द नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न एज आस्क्ड। सो टू डिजिट नंबर्स 88 एंड 11 आर द सेम। तो ये सेम नंबर्स हमको मिले हैं। फिर है थ्री डिजिट्स नंबर 111, 101, 808, 111, 818, 18. तो ये नंबर्स हैं। फिर है 1001 फोर डिजिट्स के ये। फिर चार बार 1, 1881, 0, 8, 0, 0, 8, 8, 1, 1, 8, 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
सेंस बनाएं, इक्वली मिरर हाफ्स के भी आपको नंबर मिल जाए, तो 11011 उल्टा पुल्टा देखो सेम दिखे। तो ये है वो नंबर्स। 12 को देखेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शेप तो हाफ टर्न लग रहे हैं, तो बी है हमारा, ये बी गोल घूम के देख लो तो सेम ही लगेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर्स विल लुक द सेम, जैसे हाफ टर्न किया तो ये सेम लगेगा, 101, 4 बार 1, और ये नहीं लगेगा, ये लगेगा 1001। उल्टा पुल्टा देख के सेम लगना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लुक द सेम एंड हाफ टर्न, तो डी 8, तो सेम लगेगा, यस मैम। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स आफ्टर 1/4 टर्न, तो कौन सा है, तो शेप्स बनाइए जैसे यहाँ पे दिए, ये आपको बनाने हैं, कोई अलग से बनाना नहीं है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो तो चलेगा, लेकिन ये ही आपको बनाना है। तो लग रहा है ना कि ड्राइंग का सेशन है हमारा, देखो रचना मैम ऐसे ही पढ़ाते हैं बच्चों को, हमको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम खेलते खेलते पढ़ना है। तो चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, डज इट लुक द सेम, स्टैंडर्ड 5, चेंज ईच ऑफ द शेप्स गिवन बिलो इन सच अ वे दैट न्यू शेप्स कैन बी फॉर्म, तो जो ऊपर दिए वो नीचे आप ड्रॉ कर लो। देखो ड्राइंग का भरपूर काम है, आप बोलते हो ना मैम ड्राइंग नहीं देते हो आप, तो देखो मैंने इस बार ड्राइंग ही आपको दिया है। फिर है शेप, शेप जैसे दिए है आगे वैसे ही आपको हर तरह से ड्रॉ करने हैं ऊपर नीचे से, बट ऐसे ही शेप होने चाहिए, तो है कि नहीं फंटास्टिक। तो चलिए ड्रॉ कीजिए और शेप्स, 1/3 का होना चाहिए, हाँ जैसे ऊपर दिया है वैसे ही नीचे आपको ड्रॉ करना है, तो है कि नहीं पूरा ड्राइंग का सेशन। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, देखो 50 का सेशन यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया, वो भी खेलते खेलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेके आऊँगी पेज नंबर 51। बाय फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग।